गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा ई की मात्रा वाले शब्द लिखिए। ओके, राइटिंग बुक से वर्क है आपका। देखिए, चित्र में मछली का चित्र बना है और देखिए कैसे लिखेंगे मछली। म छ ल में बड़ी की मात्रा, मछली। अब हम डॉट्स के ऊपर लिखेंगे मछली। म छ ल और ला में बड़ी की मात्रा, ये हो गया हमारा मछली। और इसी तरह से यहाँ अपने आप से लिखेंगे म छ और ला, ला में बड़ी की मात्रा, मछली। ओके, इसी तरह से इस लाइन में भी लिखेंगे म छ और ला, ला में बड़ी की मात्रा, मछली। ओके, उसी तरह से आपको इस लाइन में अपने आप से लिखना है। नेक्स्ट है डफली। ड फ ल में बड़ी की मात्रा, ली, डफली। अब हम डॉट्स के ऊपर लिखेंगे बहुत ध्यान से। ड फ ल, ल में बड़ी की मात्रा, डफली। ओके, इसी तरह से यहाँ पे अपने आप लिखेंगे ड फ ल और बड़ी की मात्रा, डफली। ओके, इसी तरह से इस लाइन में भी लिखते हैं एक बार। ड फ ल और ल में बड़ी की मात्रा, डफली। ओके, अब यहाँ पे आपको अपने आप से लिखना है। आगे देखिए बकरी। ब क र में बड़ी की मात्रा, बकरी। अब हम पहले डॉट्स के ऊपर लिखेंगे ब क र और बड़ी की मात्रा, बकरी। अब हम यहाँ अपने आप से लिखेंगे ब क र और बड़ी की मात्रा, बकरी। इसी तरह से इस लाइन में भी लिखते हैं एक बार। ब क और र, र में बड़ी की मात्रा, बकरी। ओके, नेक्स्ट है आपका मकड़ी। म क ल में बड़ी की मात्रा, मकड़ी। अब हम डॉट्स के ऊपर लिखेंगे म क और ल में बड़ी की मात्रा, मकड़ी। इसी तरह से यहाँ अपने आप लिखेंगे म क और ल में बड़ी की मात्रा, मकड़ी। ओके, इसी तरह से यहाँ पे लिखते हैं एक बार। म क और ड में बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट है आपका कमीज। क म में बड़ी की मात्रा और ज, कमीज। अब यहाँ डॉट्स के ऊपर लिखेंगे क म बड़ी की मात्रा, मी और ज, कमीज। इसी तरह से यहाँ अपने आप लिखेंगे क म बड़ी की मात्रा और ज, कमीज। ठीक है, इस लाइन में एक बार और लिखते हैं क म बड़ी की मात्रा, मी और ज, कमीज। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना है और इन्हें रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।